आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। बहुत दिनों बाद मिला हूँ आज मैं आपको। जानते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है एडमिशन जो है शुरू होने वाले हैं, तो मुझे लगा कि इस बारे में अपडेट आप लोगों को बच्चों को दे देना चाहिए। तो बच्चों, DU में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि दो बातें इंपॉर्टेंट आज की जो है वीडियो में बात करने वाला हूँ। एक तो बच्चों, ये जो सेंट स्टीफन है उसने अपनी फर्स्ट कट ऑफ जो है रिलीज कर दी है, उसके बारे में बात करूंगा। और दूसरा बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल कट ऑफ है उसके बारे में भी बात करूंगा। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि हर कॉलेज की क्या अलग से कट ऑफ आएगी। हर कॉलेज की कट ऑफ अलग से आती है, लेकिन हर कॉलेज की जो कट ऑफ की डेट है वो इकट्ठी रिलीज़ होती है। लेकिन सिर्फ सेंट स्टीफन कॉलेज ही एक ऐसा कॉलेज है जो अपनी अलग से कट ऑफ जो है रिलीज़ करता है। 2 साल पहले जो है सेंट स्टीफन कॉलेज है वो अलग हो गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन सब क्राइटेरिया से, और उसके बाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी जितने भी आप फॉर्म्स भरते हो, सेंट स्टीफन के फॉर्म भरते हो या जो भी है, वो बिल्कुल सेपरेट होता है। तो पहले तो हम कट ऑफ के बारे में बात कर लें, क्योंकि मैं पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि DU की कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ है। आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। और जब मैंने वो वीडियो बनाया था, कमेंट्स में जाकर जरूर देखना, उसमें लिखा है कि कैसे इंक्रीज़ हो जाएगी, लोग तो बाहर चले गए हैं, अभी सिचुएशन जो है बदल गई है, समय बदल गया है, लोग वापस आ गए हैं। जो बातें मैंने एक्सपेक्ट की थी, प्रेडिक्ट करी थी, वही बातें फाइनली जो है देखने को मिल रही हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज ने बता दिया है कि DU जो है अपने आप में एक प्रीमियम कॉलेज है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 99.25% की कट ऑफ, और ये अपने आप में जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट कट ऑफ अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ, इवन सेंट स्टीफन कॉलेज की अपनी खुद की हाईएस्ट कट ऑफ अभी तक की है। मेरे को लगता था कि मुझे ऐसा क्यों लगता था कि DU का जो कट ऑफ है वो बेसिकली बढ़ेगा। एक्चुअली पिछले साल का अगर मैं डेटा कंपेयर करूँ तो लास्ट ईयर जो था वो 3.6 लाख अप्रॉक्सीमेट बच्चों ने जो था अप्लाई किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए, जबकि इस बार जो है 5.6 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। रफली 1.95 लाख बच्चे जो हैं बढ़ गए हैं, यानी क्लोजली 2 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन जो हैं वो बढ़ गई हैं। और ये रजिस्ट्रेशन जो थी आपकी, जो टोटल रजिस्ट्रेशन थी, अब जहाँ तक पेड रजिस्ट्रेशन की बात पे आते हैं तो पेड रजिस्ट्रेशन जो है वो फ़र्क पड़ा है, वो कम हुआ है। यानी जो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन उन्होंने उनकी फ़ीस नहीं भरी, तो जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी है उनको तो काउंट करेंगे नहीं, तो जो पेड में हम वो देखेंगे जो बच्चे रजिस्टर करे हैं, मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो बच्चे ऐसे 95,000 बच्चे हैं जो बढ़ गए हैं, ठीक है। और उसमें से अनरिजर्व में 70,000 के आसपास हैं, OBC में 14,000 के आसपास हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर कैटेगरीज में 8,000, 1,000 और 1,000 रिस्पेक्टिवली ही हैं। तो बच्चों, जहाँ तक बात है एडमिशन के बारे में, तो एक बात तो क्लियर है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हर एरिया में बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी 1 लाख अपने आप में बहुत बड़ा फिगर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि DU में एडमिशन की जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और अब जहाँ तक बच्चों बात करते हैं प्रीमियम कॉलेजेस के बारे में, तो हर किसी की कट ऑफ जो है इंक्रीज़ होने को एक्सपेक्टेडली मिलेगी, लेकिन मैं पहले आपको जल्दी से बता दूं आपकी बेसब्री जो है वो दूर कर दूं। इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए मतलब जाना जाता है और उन्होंने कट ऑफ रिलीज़ किया है 99.25%, मतलब अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। सेंट स्टीफन कॉलेज खुद कह रहे हैं कि हमने, हमारी ये हाईएस्ट कट ऑफ है अभी तक की, और मतलब ये एक रिमार्केबल हिस्ट्री में जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी हाई कट ऑफ जो है देखने को मिली है। अब आपको लग रहा होगा कि आज बाकी कॉलेजेस के साथ भी ऐसा ही होगा। देखिए, जहाँ तक कट ऑफ के बारे में बात है तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ सभी कोर्सेज में देखने को मिलेगा, लेकिन आप इस बात के लिए होप लूज़ मत करिए कि अगर आप एक अच्छी कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आप एक 90 प्लस वाला बच्चा है, तो DU में आपके लिए बिल्कुल जगह है और आपको डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि कितने भी सारे एडमिशन, देखिए जब आपका मॉडरेशन पॉलिसी का जो, जब मैंने आपको बताया था पहले कि मॉडरेशन जो पॉलिसी होती है वो कहीं ना कहीं जो आपके मार्क्स को जो है वो अफेक्ट करती ही है। 95% वाले बच्चे जब बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे 95 को सैचुरेट जब करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स जब बढ़ेंगे बच्चों के, तो ऑब्वियसली बात है वो आपका ओवरऑल एक कॉम्पिटिशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यस, मॉडरेशन पॉलिसी ने सारा काम खराब किया है। बहुत जो बच्चे डिजर्व करते थे वो बच्चे शायद से कहीं ना कहीं लैक हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे डिजर्व करते थे वो एक्चुअली 90s में आने वाले थे, बट जो 80s वाले थे वो भी 90s की तरफ आ गए, और इस तरीके से जो है अब आपको कंपटीशन में आपके साथ खड़े हुए हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में। 99.25% जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कट ऑफ है, हिस्ट्री ने दे दिया है 99, मतलब अपने आप में 99 हिस्ट्री पढ़ने के लिए, इमेजिन स्टीफन कॉलेज से अगर आप करना चाहते हैं तो 99 की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद BA प्रोग्राम 98 पे जाएगा, साइंस के कोर्सेज पे नीचे आ रहा हूँ मैं अभी एक एक करके, ठीक है। स्टीफन कॉलेज से अगर आप फिलोसफी पढ़ना चाहते हैं तो 98, ये सारी कैटेगरी सब कुछ जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं तो 99, ओके। कंप्यूटर साइंस, अगर आप BSc करना चाहते हैं, BSc जो बच्चे BSc करना चाहते हैं
कंप्यूटर साइंस में जो बच्चे बीएससी करना चाहते हैं 97.67% स्टीफन कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। और डिसहार्ट मत होना क्योंकि अभी अभी और कॉलेज की कट ऑफ आनी बाकी हैं। और बाकी आपको बता दें कि सेंट स्टीफन कॉलेज की जो कट ऑफ होती है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड सेट करता है। जो स्टीफन कॉलेज का एक लेवल होता है उसके बाद में बाकी कॉलेज सेट करते हैं। तो हाँ, नो डाउट बाकी कॉलेज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और बाकी कॉलेज की कट ऑफ भी हाई जाने की एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट कट ऑफ। लेकिन अगर आप फर्स्ट कट ऑफ हाई रख देते हैं तो जैसे फर्स्ट कट ऑफ अगर हाई होती है तो हाई होने पे क्या होता है कि अगर अगर उतने बच्चे नहीं आएंगे तो बाद में सेकंड कट ऑफ में फिर वो जो होता है वो गिर जाती है। तो सेकंड कट ऑफ में सबसे ज़्यादा जो है फॉल देखने को मिलता है, लेकिन थर्ड कट ऑफ और फोर्थ कट ऑफ में उतना फॉल देखने को नहीं मिलता है। और बाद में थर्ड और फोर्थ तक आते आते कट ऑफ बंद होने का चांस रहता है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि फर्स्ट कट ऑफ में अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप सेकंड कट ऑफ तक का ही वेट करना, अदरवाइज आपको जो है कहीं और अपना देख लेना। क्योंकि थर्ड कट ऑफ और फोर्थ कट ऑफ में डीयू के अच्छे कॉलेजेस में आपको आप बिलीव मत करना कि क्योंकि रह जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है लास्ट ईयर भी देखा था कि मैक्सिमम कॉलेजेस जो थे उनकी कट ऑफ जो थी वो जल्दी क्लोज हो गई थी। बींग फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी मैं जानता हूँ कि किस तरीके से जो है प्रोसेस जो होता है बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेज़ी से गिरना परसेंटेज को भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट कट ऑफ उनको लगता है कि मान लो बहुत हाई रख दिया और बच्चे नहीं आए हैं तो सेकंड कट ऑफ में वो एक अच्छा परसेंटेज नीचे गिराते हैं। और अगर सेकंड में अच्छा परसेंटेज नीचे गिरने से बहुत सारे बच्चे अगर आ जाते हैं तो थर्ड कट ऑफ तक सीट्स नहीं बचती हैं और फिर उनको सीट्स क्लोज करनी पड़ती हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ मेन कैंपस कॉलेजेस के बारे में। ऑफ कैंपस कॉलेजेस जो कॉलेजेस बाहर की तरफ हैं, जो कॉलेजेस जो हैं वो कैंपस नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में नहीं आते हैं, उन कॉलेजेस की जहाँ तक बात है उनमें थोड़ा सा जो है आपको आप बिलीव कर सकते हैं। अगर आप उन कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस में अगर आप रखना चाहते हैं तो हाँ, उनमें आने के चांसेस कहीं ना कहीं बने रह सकते हैं। उसमें आप थर्ड कट ऑफ तक आप जो है रिलाई कर सकते हैं। मैं फोर्थ कट ऑफ तक जाने के लिए बिल्कुल मना करूँगा। आप अपने आप को रिजर्व करिए, कहीं ना कहीं अपनी सीट को रिजर्व करिए। चलिए मैं आपको एक एक करके जरा बाकी के कोर्सेज के बारे में बता दूँ। कंप्यूटर साइंस के बारे में बच्चे बहुत बोल रहे थे, फिजिकल साइंस सिर्फ फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस मतलब ऑनर्स की बात कर नहीं रहा हूँ। फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस में जो है 99.67 अपने आप में बहुत ही हाई कट ऑफ गया है। इंग्लिश के लिए 99 गया है जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा मतलब कोर्स माना जाता है यूनिवर्सिटी का। अब जो बच्चे फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो भी सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि अपने आप में एक नंबर वन कॉलेज है, तो हाँ जी 97.66% का जो है कट ऑफ रखा गया है फिजिक्स ऑनर्स का। और बच्चों जो फिजिक्स ऑनर्स का कट ऑफ की बात हो रही है तो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स मिलाए जाएंगे। जितने भी इससे पहले मैंने आपको बताए थे वो बेस्ट ऑफ फोर थे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जो भी जूलॉजी बॉटनी जो भी कोर्सेज होते हैं, मोस्टली साइंस के कोर्सेज में सिर्फ मैथ्स को छोड़ के सब में बेस्ट ऑफ थ्री लिया जाता है। केमिस्ट्री के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो 96.67 1% कम है केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स के लिए बच्चों 98% कट ऑफ गया है। 98% अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें एक बात क्लियर कर दूँ, 98% जो है वो कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों के लिए मांगा गया है। अगर बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के हैं और वो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो 96.5 उनके लिए मान लिया गया है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो स्टीफन कॉलेज का जो है 1 से लेकर 2% तक अलग अलग कोर्सेज में जो परसेंटेज है उसमें हाइक हुआ है देखने को मिला है। और बच्चों, और अगर आप DU से रिसर्च या आप साइंटिस्ट या एक अच्छी पोस्ट पे इस तरह से अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली से DU आप ही लोगों के लिए बना है। आप मैंने पिछले कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं। DU जो है वो बेसिकली टॉपर्स बच्चों के लिए है। और जो बच्चे इंजीनियरिंग में, मार्केटिंग में और इन सब चीज़ों में, इंडस्ट्री में अगर नहीं जाना चाहते हैं बल्कि इनफैक्ट रिसर्च वगैरह में, हायर में, जर्मनी वगैरह बड़े बड़े कोर्सेज के बारे में अगर आप एक अच्छा रेपुटेड अगर आप जो है अपना अगर अपना प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो DU आप ही के लिए है। और एक अच्छा प्रोफाइल DU में जो है मिल जाता है बच्चों को। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। मैं अपडेट देता रहूँगा आपको DU के बारे में। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद से अक्टूबर में जो है, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में जो है DU का जो है अपना कट ऑफ जो है रिलीज़ होने की उम्मीद है। और कई लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बहुत लेट है, लेकिन देखते हैं, हो सकता है जैसे भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। अगर अपडेट जल्दी आ गया, अगर हो सकता है जल्दी रिलीज हो गई तो भी आपको अपडेट दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।